हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारा टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BSOD एंड फेटल एरर के बारे में। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैस और सीमोस के बारे में। तो हमारे एक व्यूवर ने कमेंट्स किया था जिनका नाम है शेष गुप्ता। उन्होंने कमेंट्स में ये लिखा था कि सर BSOD एंड फेटल के बारे में वीडियो बनाइए। तो मैं उनसे पूछा कि अगर मैं आपको कमेंट्स में समझा दूं तो चलेगा? तो उन्होंने बोला एज यू विश। फिर मैं उनको कमेंट्स में समझा दिया, लेकिन अब जाके सोचा कि मैंने शेष गुप्ता जी का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन बाकी और भी लोग होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। तो सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दूं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि BSOD का फुल फॉर्म होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। दोस्तों, जब हम कंप्यूटर पे कोई हार्ड वर्क करते हैं और सडनली हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, उसके बाद रीस्टार्ट होता है और रीस्टार्ट होने के बाद मॉनिटर पर जो शो होती है ब्लू स्क्रीन के, उसी को हम कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। दोस्तों, इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें पहला है वायरस। अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई फ्री एंटीवायरस यूज कर रहे हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके और ये उम्मीद रखते हैं कि ये वायरस से प्रोटेक्ट करके रखेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्री एंटीवायरस आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, लेकिन फायदा नहीं। अगर आप एंटीवायरस यूज करना ही चाहते हैं तो पैड एंटीवायरस यूज कीजिए। अब भी कभी जाकर आप मार्केट से जाकर खरीद लीजिए नया एंटीवायरस और यूज कीजिए, तब आपका कंप्यूटर बिल्कुल सेफ रहेगा और इस तरीके के प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के कारण भी ब्लू स्क्रीन वाली प्रॉब्लम आ सकती है। ये कब आती है? जब सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता है तब। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 32-bit का विंडोज है और अगर आप 64-bit का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे को 5 kg उठाने की कैपेसिटी और अगर आप उसे 20 kg उठाने के लिए बोलेंगे, अगर वो उठाएगा तो वो वहीं पे लड़खड़ा के गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा वेट है। इसके लिए मतलब बिल्कुल दम सेम है, जितना जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उतना काम देना चाहिए। और तीसरा है हार्डवेयर। दोस्तों, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो हार्डवेयर को कन्फिगर नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पुराना प्रोसेसर है P4 का और हम अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इंस्टॉल करेंगे, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, अब बात आती है फेटल एरर की। दोस्तों, फेटल एरर की प्रॉब्लम कोई एक वजह से नहीं होता है, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सीपीयू के अंदर ID केबल, HD, HDD, LED केबल्स जो लगे होते हैं वो अगर ठीक से नहीं लगा रहेगा तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर उन सभी केबल्स के अंदर डस्ट जमा होता है तो ये वॉक नहीं करता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए टेक्निकल मेहताब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।